वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉर्टेक्स एनिमल किंगडम में देर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स नॉन कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स एंड वी हैव स्टार्टेड स्टडी नॉन कॉर्टेक्स. अब नॉन कॉर्टेक्स एनिमल्स जो होते हैं दे आर अगेन डिवाइडेड इंटू 10 फाइलम्स एंड विच आर दोज फाइलम्स फाइलम पोरी फेरम नेक्स्ट फाइलम सिलेंटेरेटा को ही क्या बोलते हैं फाइलम निडारिया देन थर्ड फाइलम फाइलम टेनोफोरा देन पी सी सी टी फाइलम प्लैटी हेलमिंथेस देन पी सी सी टी हो गया है. इसके बाद आएगा ट्रिपल ए. ट्रिपल ए में अगर प्लैटी हेलमिंथेस है तो देन आफ्टर दैट व्हाट इज देयर एस हेलमिंथेस आफ्टर एस हेलमिंथेस एनेलिडा क्योंकि ट्रिपल ए है ना. आफ्टर एनेलिडा आर्थ्रोपोडा आफ्टर आर्थ्रोपोडा मी एंड एच मलस्का देन इकाइनोडर्मेटा एंड देन हेमिकॉर्डेटा. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल 10 फाइलम्स. उसमें से फाइलम पोरीफेरा का स्टडी हमारा हो चुका है. वी हैव ऑलरेडी स्टडी फाइलम पोरीफेरा. नाउ वी विल मूव ऑन विथ फाइलम सिलेंटेरेटा और फाइलम निडारिया. सो लेट अस स्टार्ट विथ फाइलम सिलेंटेरेटा और फाइलम सिलेंटेरेटा या फिर निडारिया बोलते हैं इसको. Now, animals belonging to this phylum या फिर animals belonging to this category are mostly aquatic. Aquatic मतलब ocean में रहते हैं या फिर you can call them marine. So, mostly these animals belonging to this phylum are aquatic or marine. They can be sessile or they can be free living. मतलब ऐसा भी हो सकता है एक animal जो water में है but it is fixed. It is fixed at one place. ऐसे एनिमल को बोलते हैं सेसाइल. एंड देर कैन बी सम एनिमल इन दिस कैटेगरी विच आर नॉट फिक्स्ड विद सबस्ट्रेट. ऐसे जो सब्सटेंस होता है नीचे सॉइल या फिर वाटर उसको सब्सट्रेट बोलते हैं. यहाँ पे देखो ये फ्रीली स्विम कर रहा है वाटर में. नॉट फिक्स्ड फ्रीली स्विम करते हैं ये एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं फ्री स्विमिंग. दीज आर नॉट फिक्स्ड. एंड सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे फिक्स्ड होते हैं फिक्स्ड टू सब्सट्रेट. एक कोई पानी में कोई रॉक है या फिर कुछ सॉइल है उसके ऊपर ऐसे फिक्स्ड होते हैं. सो फिक्स्ड आर कॉल्ड एज सेसाइल. एंड जो फिक्स्ड नहीं है उनको बोलते हैं फ्रीली स्विम. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेंटेरेटेस बेस्ड ऑन वेदर दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस एक ही जगह पे है या फिर दे आर फ्रीली स्विम. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेंटेरेटा. देन कम टू सिमेट्री. जब सिमेट्री की बात चल रही है तो आई विल ड्रॉ इट अगेन एक हाइड्रा. सो वेन इट कम्स टू सिमेट्री दिस ये एनिमल को हम लोग वी कैन कट दिस एनिमल इन एनी प्लेन इन टू इक्वल हाफ्स. अगर हम उसको ये प्लेन से कट करते हैं तो भी टू इक्वल हाफ्स होंगे. उसको ये प्लेन से कट करते हैं तो भी टू इक्वल हाफ्स होंगे. मोस्टली अगर उसको ऐसा अगर अपर व्यू से देखा जाए तो वी कैन कट. इसका सिर्फ मैं अपर पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ.
तो इन एनी प्लेन वी कैन कट दिस एनिमल इन टू इक्वल हाफ्स, सो दो इक्वल हाफ्स में हम इसको कट कर सकते हैं. दैट इज वाई सिमेट्री, ये एनिमल की जो सिमेट्री है फाइलम सिलेंट्रेट्स को जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं उनकी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री. ओके, सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री है उनकी. देन वन मोर फीचर की टेंटेकल्स, दे हैव गॉट टेंटेकल्स ऑन देयर बॉडी, टेंटेकल्स. सो वी हैव सीन फोर फाइव फीचर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा टिल नाउ. व्हिच आर दोस? दीज एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा आर एक्वेटिक या फिर मराइन बोलो. दे आर इधर सेसाइल और री स्विमिंग. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. दे हैव गॉट टेंटेकल्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी के ऊपर क्या है, टेंटेकल्स है. एंड रेडियल सिमेट्री मीन्स कोई भी प्लेन में वो एनिमल को हम अगर कट करते हैं तो वी कैन गेट टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स. सो लेट अस स्टडी ये जो पार्ट है टेंटेकल्स, इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं. एंड वी विल सी नो व्हाई दिस फाइलम हैज गॉट नेम निदारी. वी नो दैट हाइड्रा इज अ सिलेंटेरेट, राइट? हाइड्रा बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी सिलेंटेरेटा. ओके, सपोज दिस इज अ हाइड्रा एंड वी नो दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज टेंटेकल, राइट? टेंटेकल्स. एंड इसके जो टेंटेकल्स होते हैं या फिर बॉडी होती है उनमें एक कोई स्पेशल सेल्स होते हैं टेंटेकल्स में भी और बॉडी में भी. देर आर स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट्स, नीडोब्लास्ट ये जो सेल्स है, या फिर इन्हीं को बोलते हैं नीडोसाइट्स. ओके, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स. अब ये जो नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट्स है टेंटेकल्स में भी है और बॉडी में भी है. दीज आर वेरी स्पेशल सेल्स. वो स्पेशल सेल्स क्यों है वो हम लोग अभी देखेंगे शॉर्ट में. बट यू रिमेम्बर दैट जो जो टेंटेकल सेल्स की और इसकी बॉडी है इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट एंड और नीडोसाइट्स. एंड बिकॉज ऑफ दीज सेल्स, दीज स्पेशल सेल्स, दिस एनिमल, दिस फाइलम हैज गॉट द नेम निदारिया. ओके, नाउ दिस नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स जो है इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. व्हाट इज देयर इनसाइड दिस सेल्स, व्हाट इज द स्पेशल थिंग्स. तो कंसीडर करो ये जो एक सेल है, सपोज दिस इज अ नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट. ठीक है, तो इनसाइड दिस सेल देयर आर स्टिंगिंग कैप्सूल्स. क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स. इसी को स्टिंगिंग कैप्सूल्स को ही बोलते हैं निमेटोसाइट्स. एंड व्हाट आर दिस स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स? जैसे शुरू में मैंने बताया था पॉइजन सेल्स, यहां पे होता है पॉइजन. ओके, तो दिस इज नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट. वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन टेंटेकल्स एज वेल एज बॉडी. एंड व्हाट इट कंटेन्स? इट कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल ऑफ निमेटोसाइट. तो ये जो सेल है वो यहाँ प्रेजेंट है, पूरे बॉडी में भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे स्पेशल उसका काम क्या है? नाउ वी नो दैट यहाँ पे जो है ये जो सेल्स है ये पॉइजन सेल्स है. इन शॉर्ट दीज आर पॉइजन सेल्स. पॉइजन सेल्स बोलो इनको, स्टिंगिंग कैप्सूल्स. यहाँ पे क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल्स है. तो ऑब्वियसली ये जो पॉइजन सेल्स है, स्टिंगिंग कैप्सूल है, ये कैसे यूज में आने वाली है हाइड्रा के लिए? हाउ कम हाइड्रा विल यूज दिस पॉइजन सेल्स एंड स्टिंगिंग कैप्सूल? ऑब्वियसली फॉर द एंकरेज, मतलब एक शिकार है इसका, उसको पकड़ना है, मतलब एंकरेज.
एंकरेज, देन डिफेंस, अगर किसी एनिमी से बचाना है इसको खुद को तो डिफेंस में यूज करेगा, ये दूसरे एनिमल को स्टिंग करेगा, मतलब उसको बाइट करेगा इससे, एंड प्रे कैप्चर, प्रे को भी कैप्चर करेगा, मतलब अपने शिकार को कैप्चर करेगा विद द हेल्प ऑफ, मतलब कि अपना जो प्रे है, अपनी जो शिकार है उसको स्टिंग करेगा, इससे बाइट करेगा, एंड व्हेन दैट प्रे फॉल्स अनकॉन्शियस और व्हेन दैट प्रे इज डेड, इट विल होल्ड दैट प्रे, कैच दैट प्रे विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स एंड ईट इट. ओके, सो वेरी स्पेशल थिंग, फाइलम सिलेंटेरेटा को निडारिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम सिलेंटेरेटा या फिर निडारिया has got needle special cells called needleblast or needocytes in their tentacles and body, and these needleblasts या फिर needocytes के अंदर क्या होती है, stinging capsules या फिर nematocytes होते हैं, poison cells हैं ये, जिसमें stinging capsule या फिर क्या होता है nematocytes मतलब poison cells, and these tentacles help Hydra, animals like this, in anchorage मतलब पकड़ना, किसी को कैच करना, डिफेंस मतलब खुद का डिफेंस करना, खुद को बचाना, एंड प्रे कैप्चर, शिकार को पकड़ना, इसमें ये हेल्प करते हैं ये टेंटेकल्स. और क्यों इजीली पॉसिबल है, क्योंकि टेंटेकल्स आर मेड अप ऑफ needleblast, needocytes, एंड needleblast contain nematocytes, poison cells या फिर stinging capsule, कुछ भी बोलो. So this is very special feature of phylum Coelenterata या फिर Cnidaria. Animals belonging to phylum Coelenterata has got which cells here? Needleblasts या फिर needocytes. And inside this needleblast is what is there? Nematocyte या फिर stinging capsule. यहाँ पे क्या है, stinging capsules है ना, stinging capsules और nematocytes, and these are used in, ये जो needleblast है वो कब यूज में आते हैं, when anchorage, catching prey and defense mechanism में, ठीक है. Now, next, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फाइलम सिलेंटेरेटा, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेल्यूलर होगा, टिश्यू होगा या फिर ऑर्गन होगा? नो, दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, बट हमने जो फाइलम पोरिफेरा देखा था उसमें बहुत ही स्मॉल एनिमल्स थे, स्पॉन्जेस, उनका लेवल क्या था, सेल्यूलर था, बट दिस एनिमल हैज गॉट, इसके बॉडी में सेल्स नहीं, टिश्यू है. ओके, टिश्यू लेवल मतलब हमने जो पहला फाइलम देखा उससे थोड़ा एडवांस, दिस इज सेकेंड फाइलम वी आर स्टडीइंग, नो, तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि टिश्यू क्या है. इसके पहले के फाइलम में देर वॉज सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये फाइलम में क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. नो, ये जो एनिमल्स है ये डिप्लोब्लास्टिक है, याद करो, डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये है एंडोडर्म एंड इसके बाद देयर इज एक्टोडर्म, राइट, एक्टोडर्म है, देयर इज नो कैविटी इन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की बात चल रही है, हम लोग एम्ब्रियो, ये एनिमल्स का अगर एम्ब्रियो देखते हैं तो देयर इज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, देयर इज नो मेसोडर्म, एंड बिकॉज देर इज नो मेसोडर्म देर इज नो कैविटी. ओके, सो एंडोडर्म और एक्टोडर्म दो लेयर्स है ना, तो टू को डिप्लो बोलते हैं, दैट इज वाई दिस एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक है, टू लेयर्स है, एंड देर इज नो कैविटी, राइट, कैविटी दिख रही है आपको, मेसोडर्म दिख रहा है, कैविटी दिख रही है, सो नो कैविटी मतलब नो मीन्स अ एंड कैविटी मीन्स सीलम, so these animals are acoelomates, a means no cavity. okay, देखो यहाँ पे cavity नहीं दिख रही है,
no cavity. So they are diploblastic, they are acoelomates. जैसे हमने स्पॉन्जेस में देखा था सेंट्रल कैविटी थी उनकी बॉडी के अंदर, एक कैविटी थी ना जिसको हमने स्पॉन्जोसील बोला था. तो ये भी एनिमल के बॉडी के अंदर एक कैविटी होता है. हम लोग अंदर की बात कर रहे हैं, इनसाइड द एनिमल्स बॉडी मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग. देयर इज सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी, यहाँ पे खाली जगह है विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी. एंड लास्टली देयर इज माउथ, वन सिंगल ओपनिंग, यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग है जो माउथ बोल सकते हो या फिर इसको बोलेंगे हाइपोस्टोम. ओके, सिंगल ओपनिंग. ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल ओपनिंग है इनके बॉडी में विच इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम, ये याद रखना है. नाउ डाइजेशन की अगर बात करते हैं कि फूड कैसे डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेशन टू वे, इंट्रासेल्युलर भी है और एक्स्ट्रासेल्युलर भी है. मतलब बॉडी के अंदर भी डाइजेस्ट करेगा फूड एंड बॉडी के बाहर भी करेगा. सो नाउ वी हैव सीन फ्यू पॉइंट्स टिल नाउ. व्हाट आर नीडोब्लास्ट? नीडोब्लास्ट क्या है, इनको आप पॉइजन सेल्स भी बोल सकते हो. इट कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर नेमेटोसाइट्स. तो नीडोब्लास्ट कहाँ है लोकेटेड, उनका यूज क्या है, दैट वी हैव सीन. नीडोब्लास्ट का यूज क्या है, एंकरेज देन डिफेंस या फिर कैप्चरिंग प्रे. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके बॉडी में क्या है, टिश्यूज है, सेलुलर लेवल से थोड़ा आगे. दिस एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक, मतलब टू लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, एज वेल एज असीलोमेट है बिकॉज सीलम नहीं है, कैविटी नहीं है. देन सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी इज देयर. देन सिंगल ओपनिंग इज देयर विच इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोस्टोम. ओके, नाउ डाइजेशन. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, मतलब बॉडी के बाहर भी डाइजेशन करेगा एंड बॉडी के अंदर भी करेगा. तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. एंड लास्टली स्केलेटन. स्केलेटन इज मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कुछ कुछ एनिमल्स का, स्पेशली कोरल्स, कोरल्स आपने सुना होगा ओशन में पाए जाते हैं, कोरल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. एंड कोरल्स का जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है. तो आपको ये याद रखना है, इसका जो स्केलेटन है, इनके बॉडी में जो स्केलेटन रहेगा, सपोज दिस इज द एनिमल और इसके बॉडी में स्केलेटन का मीनिंग मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में समझाया, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स है वैसे इसके बॉडी में भी बोन्स ही रहेगी, कुछ फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे एंड दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, स्केलेटन है. ओके, सो दीज आर द फ्यू मेन मेन फीचर्स ऑफ फाइलम सिलेंटेरेटा. नाउ वी विल मूव ऑन टू टाइप्स. इसके हमने ऑलरेडी दो टाइप देखे, एक फ्री लिविंग है, एक सेसाइल है, बट और कुछ बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया इसमें जो एनिमल्स है ये फाइलम है उनके दो टाइप्स है, दैट वी विल सी नाउ एंड वी विल सी एग्जाम्पल्स ऑल्सो. तो लास्टली आई एम रिपीटिंग, these animals are aquatic or marine, sessile or free swimming. sessile मतलब एक जगह पे फिक्स होना, free swimming मतलब freely swimming करना. radial symmetry, कोई भी प्लेन में कट करो टू इक्वल हाफ्स होने वाले. then tentacles, tentacles and body में क्या है, needoblast है and needocytes है, that is why it has got name phylum Nidaria. then what are needoblasts? needoblasts are poison cells. It contains stinging capsules of nematocytes. Then what is the use of needoblast? It helps in anchorage, prey catching and defense. Then tissue level organization है, tissue है इसकी body में, cellular से थोड़ा ऊपर आ गया. Diploblastic, acoelomate, central cavity, central gastrovascular cavity. Then digestion, single opening, hypostome. माउथ जैसा ओपनिंग है, ये जो है इसको हम माउथ बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम. एंड डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर.
बॉडी के अंदर भी होगा, बॉडी के बाहर भी होगा. एंड स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ फाइलम सिलेंटेरेटा. वी विल नाउ एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस फाइलम, फाइलम सिलेंटेरेटा या फिर निडारिया. इन एनिमल्स के बॉडी फॉर्म जो होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हमने पहले देखा है वन इज सेसाइल एंड वन इज फ्री लिविंग. सो एक ऐसा रहेगा बॉडी फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा जैसा एनिमल विच इज फिक्स्ड. सी इट इज दिस एनिमल इज फिक्स्ड टू दिस प्लेस. एक रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर या फिर सॉइल के ऊपर ये फिक्स है. दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज, दिस फॉर्म इज सेसाइल, राइट. सेसाइल बोलते हैं, सिलेंड्रिकल है. सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे लॉन्ग. सो इसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है. एंड यही फाइलम को बिलोंग करने वाले कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच आर फ्री स्विमिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस एनिमल इज फ्री स्विमिंग. फ्री स्विमिंग बोलेंगे इसको बिकॉज इट इज नॉट अटैच टू एनीवेयर. किसी ऑर्गन से, किसी सब्सटेंस से अटैच नहीं है, फ्रीली स्विम करता है वाटर में. तो इसको बोलते हैं फ्री स्विमिंग. नाउ इसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है. इस टाइप के एनिमल्स का जो शेप है इसको हम अम्ब्रेला शेप बोलेंगे, अम्ब्रेला शेप. एंड इसमें इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आर हाइड्रा. हाइड्रा पहले बताया था मैंने, एडेम्सिया. ओके, एंड इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है जेली फिश. और जेली फिश को ऑरेलिया बोलते हैं. तो जेली फिश जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, फाइलम सिलेंटेरेटा. जेली फिश या फिर ऑरेलिया. ओके, तो जेली फिश इसका एग्जाम्पल है. बट ये दोनों, दीज टू टाइप्स बिलोंग टू फाइलम सिलेंटेरेटा. तो फाइलम सिलेंटेरेटा में जो एनिमल्स हैं उनके दो बॉडी के स्ट्रक्चर रहेंगे. एक तो सिलेंड्रिकल रहेगा और सेसाइल रहेगा लाइक दिस, या फिर अम्ब्रेला जैसा रहेगा, फ्री स्विमिंग रहेगा. दिस स्ट्रक्चर, दिस बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलिप. ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलिप. मतलब हाइड्रा क्या है? पॉलिप. एंड ऐसा अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मेड्यूसा. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलिप, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेड्यूसा. तो हाइड्रा एंड एडेंसिया किसके एग्जाम्पल है? पॉलिप के. एंड मेड्यूसा इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्विमिंग. मेड्यूसा का एग्जाम्पल है जेली फिश है और एरिया. सो टू फॉर्म्स, इसको हम बोलेंगे टू बॉडी फॉर्म्स ऑफ फाइलम सिलेंटेरेटा. नाउ कभी आपको कोई एनिमल ऐसे टाइप में दिखेगा उसको आप पॉलिप बोलोगे, कभी ऐसे दिखेगा उसको आप मेड्यूसा बोलोगे. कभी ये दोनों फॉर्म्स पॉलिप और मेड्यूसा एक ही एनिमल एग्जिबिट करेगा अल्टरनेटली. एक बार वो पॉलिप रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद वो मेड्यूसा बन जाएगा, फिर वो पॉलिप बनेगा, फिर मेड्यूसा बन जाएगा. इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इन द प्लांटे भी हमने पढ़ा है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. वो गैमेटोसाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, एंड टू एंड, वैसा कभी पॉलिप, कभी मेड्यूसा, फिर पॉलिप, फिर मेड्यूसा. तो एक ही एनिमल, मतलब ये इस एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी के दो टाइप्स है, दो फॉर्म्स है, पॉलिप और मेड्यूसा का. और कभी कभी एक ही एनिमल दोनों फॉर्म्स एग्जिबिट करेगा. कभी वो पॉलिप रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद मेड्यूसा बन जाएगा. फ्यू एनिमल्स आर देयर विच कैन एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और वो कैसे करते हैं? उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस. और ये वर्ड हमने सुना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कभी पॉलिप कभी मेड्यूसा. तो ये कैसे होता है? जो पॉलिप होता है ये वाला फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिप. पॉलिप करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और बनाता है मेड्यूसा, ये वाला फॉर्म. ठीक है, पॉलिप ने क्या किया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया. क्या बनाया? मेड्यूसा बनाया. और ये जो मेड्यूसा है वो क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और पॉलिप बनेगा. मेड्यूसा
मेड्यूसा जो फॉर्म है ये करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी मेड्यूसा बन गया ना, तो मेड्यूसा करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा एंड इट विल प्रोड्यूस, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पॉली. ठीक है, तो पहले पॉली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनेगा और मेड्यूसा रिपीटिंग अगेन मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जो पॉली होता है वो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एंड इट मेक्स मेड्यूसा. एंड जो मेड्यूसा है इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड मेक्स पॉलिप. तो देखो पॉलिप था, पॉलिप से क्या बना मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, अगेन पॉलिप से क्या बनेगा मेड्यूसा. इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस. एक ही एनिमल कभी तुमको पॉलिप दिखेगा, कुछ दिन बाद मेड्यूसा फॉर्म दिखेगा, फिर पॉलिप फॉर्म दिखेगा, फिर मेड्यूसा फॉर्म दिखेगा. तो ये पॉलिप से मेड्यूसा कैसे बना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ ये याद रखने का ट्रिक कि अब पॉलिप और मेड्यूसा बहुत कंफ्यूजिंग है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक आपको सिर्फ एक ही शॉर्टकट ये याद रखना, पैन याद रखो पैन, तो दूसरा वाला ऐसे याद हो जाएगा. पैन मतलब पॉलिप रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली एंड फॉर्म्स मेड्यूसा. ठीक है, एक मालूम हो गया आपको पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा, और मेड्यूसा का क्या होगा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या बनेगा पॉलिप. दूसरा वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा. पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है मेड्यूसा, और फिर ऑब्वियसली मेड्यूसा कौन सा रिप्रोडक्शन करने वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म पॉलिप. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला याद रखने की जरूरत नहीं, पैम भी याद रह गया, ये भी याद रह गया, तो ये अपने आप लिख सकते हो. ठीक है, सो दीज वेर द टू बॉडी फॉर्म्स ऑफ कैटेगरी फाइलम सिलेंटरेटा. दिस इज पॉलिप, पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, एग्जाम्पल हाइड्रा एडेंसिया. दिस इज मेड्यूसा, मेड्यूसा इज थ्री सीविंग अम्ब्रेला शेप, एग्जाम्पल जेलीफिश और ऑरेलिया. एंड कोई कोई एनिमल दोनों फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेटली, कभी वो पॉलिप रहते हैं फिर मेड्यूसा बनते हैं, फिर पॉलिप बनते हैं फिर मेड्यूसा. तो पॉलिप से मेड्यूसा कैसे बनते हैं, पैन याद रखना है, पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा एंड मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप. मेड्यूसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनता है, उसका एग्जाम्पल दिया है आपको ओबेलिया करके. ओके, एंड वी लास्टली नाउ वी विल सी मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा. ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स वी आर फैमिलियर विद फ्यू एग्जाम्पल्स, बट वी विल सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स नाउ. एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा या फिर निडारिया, फर्स्ट एग्जाम्पल इज पाइसेलिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. ये जो ब्रैकेट में नेम लिखी है, जैसे फाइलम कोरिफेरम में भी हमने लिखा था बार्क स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये इनके कॉमन नेम्स है और ये इनके साइंटिफिक नेम्स है. ओके, तो ये भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि दिस इज कॉल्ड दिस, बिकॉज एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि पाइसेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, सी एनिमल, सी पेन, सी पैन, ऐसे ऑप्शन आएंगे. तो यू हैव टू चूज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोगों को बुक में से, तो दोज एग्जाम्पल्स यू हैव टू कीप इन माइंड. और मैंने इसके पहले भी बताया है कि हाउ कम यू विल रिमेंबर ऑल दो सी, तो यू हैव टू रीड इट वेरी ऑफन, बहुत बार आपको बार 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 रीड करना है, टेक्स्ट बुक्स में से डायग्राम देखना है या एनिमल्स की पिक्चर दी है बुक में, दैट यू हैव टू सी. And the names you have to read very often. So, Physalia, example hai, Portuguese man of war, Adamsia, humne ye suna hai na, familiar hai, sea anemone, isko sea anemone bhi bolte hai, Penatula, it is also called as sea pen, Gorgonia, sea fan, and Meandrina, brain coral. Okay, so ye paanch examples with their common names, okay. ये इनके साइंटिफिक नेम है, ये इनके कॉमन नेम्स है, तो ये याद रखना है. हाइड्रा तो है हाइड्रा, जेलीफिश कॉमन नेम है, जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या है, ऑरेलिया. वो एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, अदर देन दैट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा. कुछ एनिमल्स की फिगर्स भी है, फिगर 4.6 में एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंटरेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म. पहला दिया है ऑरेलिया, मेडुसा, मेडुसा फॉर्म दिया है, एंड सेकेंड इज एडेम्सिया पॉलिप फॉर्म. ओके, हमने दो फॉर्म्स देखे थे ना, पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म, तो दोनों का डायग्राम दिया है. फर्स्ट वन इज ऑरेलिया जिसको जेलीफिश बोलते हैं,
एंड सेकेंड इज वन इज एडेंसिया जो हाइड्रा जैसा होता है जो पॉलिप फॉर्म है. पहला मेडुसा फॉर्म दिया है, सेकेंड इज पॉलिप फॉर्म. पहला अम्ब्रेला शेप था, सेकेंड इज सिलेंड्रिकल शेप. एंड वन मोर डायग्राम इज देयर, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट. जो नीडोब्लास्ट इनके टेंटाकल्स में हमने देखा था जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती है, निमेटोसाइट्स होते हैं, उसका एक डिटेल में डायग्राम दिया है. मोस्टली डायग्राम्स जो आते हैं वो दैट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, नीट में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, लेबलिंग करने के लिए आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं कि ये डायग्राम वेदर दिस डायग्राम इज ऑफ ऑरेलिया, हाइड्रा, एडेंसिया, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई.